राधे राधे जय माता की भक्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। जय माता की। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। कमेंट में जय माता की अवश्य ही लिखिएगा। तो माता का आखिरी स्वरूप है माँ सिद्धिदात्री का। नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है और आज महाअष्टमी है, कल महानवमी है। तो कल हम सिद्धिदात्री माता का पूजन करेंगे। माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप, इनकी कथा, इनके भोग, इनके प्रिय रंग के विषय में ही आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। माँ दुर्गा का ही स्वरूप है माँ सिद्धिदात्री। माँ दुर्गा की नौवीं शक्ति है माँ सिद्धिदात्री, व्यक्ति को सिद्धि प्रदान करती हैं। अगर इनकी पूजा विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ की जाए तो व्यक्ति सभी सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। माँ दुर्गा का आखिरी स्वरूप सिद्धिदात्री है। सिद्धिदात्री माँ की कृपा से शिव शंकर ने सिद्धियाँ प्राप्त की थीं, ऐसा देवी पुराण में कहा गया है। साथ ही ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की हिम्मत भी व्यक्ति में आ जाती है। अगर इनकी पूजा विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ की जाए तो व्यक्ति पूर्ण रूप से सिद्धियाँ प्राप्त कर लेता है। ये माँ की ही अनुकंपा है कि भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ और इन्हें अर्धनारीश्वर कहा गया। माँ सिद्धिदात्री के कई नाम हैं, इनमें अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम, महिमा, ईशित्व, वाशित्व, सर्व कामासाइता, सर्वज्ञत्व, दूरश्रवण, परकाय प्रवेशन, वाक सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि संहार करण सामर्थ, अमृत्व, सर्वन्यायकत्व, भावना और सिद्धि शामिल है। कमल पुष्प पर आसीन माँ की चार भुजाएं हैं। माँ का वाहन सिंह है। सिद्धिदात्री माँ की आराधना उपासना करके भक्त लौकिक परलौकिक सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माँ अपने भक्तों की हर इच्छा हर मनोकामना को पूरा करती हैं, जिससे कुछ भी ऐसा शेष नहीं बचता जिसे व्यक्ति पूरा करना चाहे और हो ना पाए। व्यक्ति अपनी सभी सांसारिक इच्छाओं आवश्यकताओं से ऊपर उठता है और माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनकी कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता है, फिर विषय भोग शून्य हो जाता है। इन सभी को पाने के लिए व्यक्ति को किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा नहीं रह जाती है। ऐसी है माँ सिद्धिदात्री की महिमा। माँ की आराधना से जातक को अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम, महिमा, ईशित्व, सर्व कामावसायिता, दूर श्रवण, प्रकामा, प्रवेश, वाक सिद्धि, अमृत, भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियों नव निधियों की प्राप्ति होती है। हालांकि देखा जाए तो आज के ज़माने में इतना कठोर तप कोई कर नहीं पाता है, लेकिन अगर व्यक्ति अपनी शक्ति अनुसार जप तप पूजा अर्चना करे तो माँ की कृपा उस पर सदैव ही बनी रहती है। थोड़ी सी प्रेम, थोड़े से जप, थोड़ी सी पूजा अर्चना से भी व्यक्ति माँ की कृपा प्राप्त कर लेता है। माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए नवरात्रि में नवमी के दिन माता के मंत्रों का जाप करना चाहिए। अब बात करते हैं कि माँ को कौन सा रंग प्रिय है, माँ का भोग क्या है और माँ को कौन सा पुष्प चढ़ाना चाहिए। सिद्धिदात्री माँ को अनाजों का भोग लगाया जाता है, कई तरह के अनाजों का। इसीलिए नवमी के दिन हम काले चने, हलवा, पूरी, खीर इत्यादि माता के भोग में कन्याओं के निमित्त बनाते हैं और कन्या पूजन करते हैं। इसके अतिरिक्त माँ को तिल का भोग लगाना चाहिए। तिल का भोग भी माँ को अत्यधिक प्रिय है। अनाजों के भोग लगाने से माँ सिद्धिदात्री अत्यंत प्रसन्न होती हैं और भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। इसके अलावा इस दिन पक्षियों को भी अनाज खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। नवरात्रि के नौवें दिन माँ सिद्धिदात्री का जो प्रिय रंग है वह बैंगनी और जामुनी।
तो यदि आपके पास बैंगनी और जामुनी रंग के वस्त्र हैं तो उनको पहनकर माता की पूजा अर्चना करें। यदि नहीं है तो सबसे सुंदर है लाल रंग। लाल रंग से सुंदर तो कुछ होता ही नहीं है, माँ का सबसे प्रिय रंग लाल है। तो अगर आपके पास बैंगनी और जामुनी रंग के वस्त्र नहीं है तो आप लाल रंग के वस्त्र पहनकर माता की पूजा आराधना कर सकते हैं। अब बात करते हैं माँ को पुष्प कौन सा प्रिय है, तो गुड़हल, गुलाब और कमल का पुष्प माँ को अत्यधिक प्रिय है। इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने जाना कि माता रानी के नवरात्रि के नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री के दिन माँ की क्या कथा है, माँ का स्वरूप क्या है और माँ का हमें मंत्र कौन सा बोलना चाहिए। साथ ही हमने माता का प्रिय भोग, प्रिय रंग और प्रिय पुष्प भी जाना। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे, थोड़ी भी हेल्पफुल हो तो लाइक कर देना और बहुत अच्छा लगता है, सच में बहुत मोटिवेशन मिलता है यदि आप वीडियोस को थोड़ा भी पसंद करते हैं तो। और अच्छे से सबके नवरात्रि हुए होंगे, किसी ने पहला और अष्टमी का किया होगा तो किसी ने पूरे 9 दिन के किए होंगे, अपनी अपनी श्रद्धा, अपनी सामर्थ्य, अपनी भक्ति के अनुसार सभी ने किए होंगे। तो आप लोगों को मैया रानी का आशीर्वाद खूब सारा प्राप्त हो, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, आप सभी के जीवन के दुख दूर हों, ऐसी कामना करते हैं। मैया रानी से विनती करते हैं, माँ अपने भक्तों पर सदैव ही दयालु कृपालु बनी रहे और सभी के जीवन में खुशियाँ आए, किसी के जीवन में कोई दुख ना आए। तो इसी कामना के साथ आज की वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं और बहुत जल्द आपसे बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और माता रानी के जयकारे लगाते रहिए। तो बोलिए शेरावाली मैया की जय, माँ सिद्धिदात्री की जय, बोल सच्चे दरबार की जय।